तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं लेट करके, और उसका नाम हम ले लेते हैं सपोज टू बी माई नेम के नाम से। एक वेरिएबल ले लिया हमने। अब उसके अंदर जब स्ट्रिंग्स को स्टोर करने की बात आती है तो हम उसको दो तरह से स्टोर कर सकते हैं, एक डबल कोट में भी कर सकते हैं, और लेट करके योर नेम के नाम से मैं उसको सिंगल कोट में भी स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन दोनों में से कोई एक ही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपको लगे। ऐसा नहीं एक साइड पर एक सिंगल कोट एक साइड पर डबल कोट आप लगा दें। तो इसमें हमने यहाँ से सपोज टू बी हमने ले लिया राशिद अली लिख दिया मैंने इसके अंदर एक नेम के ऊपर, और यहाँ पर मैंने सपोज टू बी लिख दिया कैंडिडेट के आगे मैंने इस तरह से लिख दिया कैंडिडेट। अब यहां पर देखते हैं कि ये दोनों वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग का आउटपुट कैसे लेंगे। तो जैसे हमने सीखा कि अगर हम उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ले रहे हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख देते थे और वो उसका आउटपुट पूरा का पूरा वेब ब्राउजर पर दिखा देता था इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, अच्छा। अब इसमें होता यह है कि हर स्ट्रिंग की डिफाइंड पोजीशन होती है। जैसे इसकी पोजीशन जो है वो 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, और ये स्पेस की 6 है। तो हम इसको ऐसे भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके नेम लिखा है, अगर सिर्फ हमें डी को आउट करना है तो इसमें हम डी की पोजीशन निकालेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ जैसे 5 लिखेंगे तो आउटपुट यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सिर्फ डी आ जाएगा लिखा हुआ, और वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग रीड करके आपको नहीं देगा। इस तरह अगर आप इसके आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप जैसे ये ले रहे हैं, इसके आगे अगर आप लिखते हैं डॉट एस टी आर लेंथ फंक्शन को कॉल करते हैं, एस टी आर लेंथ फंक्शन आगे लेते हैं हम लेंथ, और इस फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट कुछ भी नहीं आया। कंसोल लेते हैं यहाँ पे, तो लेंथ इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये क्या फंक्शन नहीं है। तो ये देखें, उसकी इसने हमको लेंथ को दे दिया, मतलब यानी कि इसकी जो लेंथ है वो इसने हमें रिटर्न कर दी कि राशिद अली वर्ड के अंदर जो टोटल लेटर्स हैं वो तकरीबन कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, आप इसके अंदर अगर आप एडिशन करेंगे सपोज टू भी आगे लिखते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपको इसकी रिटर्न कर देगा 15। तो इस तरह से एस टी आर लेंथ फंक्शन जो है हमें रिटर्न कर रहा होता है इसको स्ट्रिंग की लेंथ के कितने उसके अंदर, लेकिन वो लेंथ डिजिट में दे रहा होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जाके लिखते हैं सपोज टू बी एक और प्रॉपर्टी टू अपर, तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कह रहा है एक फंक्शन है, आगे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट था वो इसको इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर। इसी तरह से अगर हमारा कोई टेक्स्ट है जो स्मॉल लेटर्स में देखना है तो हम यहाँ पे जाएंगे टू लोअर और दो ब्रैकेट्स लगाएंगे आगे, तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वेदर वो कैपिटल में लिखा हुआ है या प्रॉपर केस पे लिखा है वो सारा का सारा हमें इसमें दिखाने लग जाएगा स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं इसको दो तीन दफा कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया टू अपर फंक्शन को यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे तीसरा हमने ले लिया तो टू एस टी आर लैन के ऊपर, तो ये इस तरह से हमें दिखा रहा होता है एस टी आर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें शो कर रहा है। अब हमें अगर इसके अंदर लाइन ब्रेक डालना है तो हम क्या करेंगे, कॉमा और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, और यहाँ पर भी कॉमा और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, ताकि ये तीनों चीजें अलग अलग हमें शो करें। ठीक है, तो और अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग को रीड करना है लेटर को तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और उसके बाद हम उसको जो है यहाँ पर उसके वेरिएबल का नाम लिखेंगे, योर नेम ले लिया, उसके स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी जो डिजिट आपको चाहिए उसका नंबर आप यहाँ पुट करेंगे तो जो भी डिजिट होगा उसके कंपेरिजन पे वो उसके आगे ले आएगा। तो देखें आई आ रहा है 4 डिजिट के ऊपर। अब इसको अगर हम न्यू लाइन में लेना चाहें तो कॉमा डबल कोट्स में बी आर लगाएंगे और यहां से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें इस तरह से शो कर देगा।